हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में आरएम कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। बट उससे पहले आइए समझते हैं कि आरएम कमांड का क्या यूज है। तो आरएम कमांड स्टैंड्स फॉर रिमूव। तो आरएम कमांड का मतलब है रिमूव कमांड। दिस कमांड इज यूज टू रिमूव फाइल्स एज वेल एज डायरेक्टरी। तो इस कमांड को हम यूज करते हैं यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल्स को रिमूव करने के लिए, किसी फाइल्स को डिलीट करने के लिए, और साथ ही साथ हम किसी डायरेक्टरी को भी रिमूव कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ डायरेक्टरी यूज हाइफन आर विद आरएम कमांड। बट अगर डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो उस केस में हम आरएम कमांड के साथ हाइफन आर ऑप्शन को यूज करते हैं। तो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को अगर हमें रिमूव करना है आरएम कमांड को यूज करके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है ls। तो ls कमांड जो है बताएगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी फाइल्स है और कौन कौन सी डायरेक्टरीज है। तो जिस भी फाइल को रिमूव करना है उस फाइल को हम चूज कर लेंगे और इसके बाद टाइप करेंगे rm स्पेस और उस फाइल का नाम देंगे जिस फाइल को हमें डिलीट करना है, और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो वो फाइल रिमूव हो जाएगी, वो फाइल डिलीट हो जाएगी। और इसके बाद ls कमांड को एग्जीक्यूट करके हम चेक कर लेंगे कि वो फाइल डिलीट हुई है या नहीं हुई है। अब जो है rm कमांड को यूज करके हम एक से ज्यादा फाइल को भी एक साथ हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें टाइप करना होगा आरएम और इसके बाद स्पेस और फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, जितने चाहे उतने फाइल्स का हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारी फाइल्स एक साथ रिमूव हो जाएगी। बट यहाँ पे मैंने आरएम कमांड के साथ फाइल 1 और फाइल 2 दो ही फाइल्स के नाम दिए हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा, आरएम स्पेस फाइल 1 फाइल 2 टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा तो फाइल 1 और फाइल 2 एक साथ रिमूव हो जाएगी। और इसके बाद ls कमांड को यूज करके हम चेक कर लेंगे कि फाइल 1 और फाइल 2 रिमूव हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद अब किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो rm स्पेस हाइफन r और फिर उस डायरेक्टरी का नाम टाइप करना है जिस डायरेक्टरी को हमें रिमूव करना है। तो rm हाइफन r ऑप्शन के साथ मोस्टली हम उस डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं जो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं होती है, जिस डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी बनी होती है या जिस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल्स वगैरह बनी होती है, दैट मीन्स कि वो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। तो ऐसे डायरेक्टरी को मोस्टली हम rm हाइफन r ऑप्शन के साथ रिमूव करते हैं। बट अगर कोई डायरेक्टरी एम्प्टी है तो हमारे पास एक कमांड है rmdir कमांड। तो हम उस कमांड को यूज करके ऐसे एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं। बट डायरेक्टरी अगर एम्प्टी नहीं है, ऑलरेडी उसमें कोई डायरेक्टरी बनी हुई है, फिर उस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल्स वगैरह बनी हुई है, यानी कि पूरी तरह से वो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, तो ऐसे डायरेक्टरी को हम rm हाइफन r ऑप्शन के साथ रिमूव करते हैं। तो चलिए इन सब का प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो ये हमारा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। तो अभी मैं ls कमांड को एग्जीक्यूट करके ये चेक करूंगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज है। तो ये मैंने ls कमांड को टाइप कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया तो ये सारी की सारी फाइल्स है और ब्लू कलर में जितने भी फाइल्स है वो डायरेक्टरी है। तो अब जो है मैं एक फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ rm कमांड को यूज करके और उस फाइल का नाम है फाइल 1। तो मैं टाइप करूंगा rm स्पेस और फाइल 1 और एंटर। तो फाइल 1 जो है यहाँ पे रिमूव हो गई है, डिलीट हो गई है। अब मैं ls कमांड से चेक कर लेता हूँ कि फाइल 1 डिलीट हुई है या नहीं हुई है। तो ls कमांड को टाइप करके ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो अब जो है फाइल 1 जो है नहीं है, यानी कि फाइल 1 डिलीट हो चुकी है।
तो इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कमांड से मैंने क्लियर कर दिया। अब जो है आरएम कमांड को यूज करके हम एक से ज्यादा फाइल को डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले एलएस कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल है। तो ये मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे ये सारी की सारी फाइल्स है। तो अब मुझे एक साथ फाइल 2 और फाइल 3 को रिमूव करना है। तो मैं टाइप करूँगा आरएम स्पेस फाइल 2, फिर स्पेस फाइल 3 और एंटर प्रेस करूँगा। तो फाइल 2 और फाइल 3 एक साथ रिमूव हो जाएगी। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो फाइल 2 और फाइल 3 एक साथ रिमूव हो गई है। अब मैं एलएस कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ कि ये फाइल 2 और फाइल 3 रिमूव हुई है या नहीं हुई है। तो ये मैंने एलएस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब हमारे पास फाइल 2 और फाइल 3 नहीं है, यानी कि फाइल 2 और फाइल 3 रिमूव हो गई है। तो क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब हमें एक डायरेक्टरी को रिमूव करना है और उस डायरेक्टरी के अंदर जो है कोई ना कोई डायरेक्टरी बनी हुई है। दैट मीन्स वो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। तो RM-R ऑप्शन को यूज करके हम उस डायरेक्टरी को रिमूव करेंगे। बट अगर कोई डायरेक्टरी एम्प्टी है तो उस एम्प्टी डायरेक्टरी को भी हम RM-R ऑप्शन के साथ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज किसी एम्प्टी डायरेक्टरी को अगर रिमूव करना है तो RMDIR कमांड है हमारे पास। तो उस RMDIR कमांड को यूज करके हम किसी एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। बट RM-R ऑप्शन को यूज करके भी हम एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। बट अगर कोई डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर डायरेक्टरी है, उसके अंदर कोई फाइल है, तो वो डायरेक्टरी RMDIR कमांड से रिमूव नहीं होगी। तो उस डायरेक्टरी को हम RM-R ऑप्शन के साथ ही रिमूव कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि अगर कोई डायरेक्टरी एम्प्टी है तब भी हम RM-R ऑप्शन के साथ उस डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। और अगर कोई डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, उस डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी या फाइल्स बनी हुई है, तो भी उस डायरेक्टरी को हम RM-R ऑप्शन को यूज करके रिमूव कर सकते हैं। बट RM-R ऑप्शन को यूज करके हम ज्यादातर उन डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं जो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं होती है, जिस डायरेक्टरी के अंदर कोई ना कोई फाइल्स या डायरेक्टरी होती है। तो अब यहाँ पे एलएस कमांड को यूज करके हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्टरी है और फिर किसी एक डायरेक्टरी को हम रिमूव करेंगे। तो ये मैंने एलएस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ब्लू कलर में यहाँ पे ये सारी की सारी डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे DIR1 जो है ये एक डायरेक्टरी है और ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। इस डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है और फिर उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल है। इसको चेक कैसे करेंगे, तो CD स्पेस DIR1 एंटर करेंगे और LS कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो बताएगा कि DIR1 नाम की डायरेक्टरी में सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी है। दैट मींस कि डायरेक्टरी 1 जो है वो एम्प्टी नहीं है। इससे बाहर आ जाते हैं, DIR1 नाम की डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं, यानी कि अपने होम डायरेक्टरी पे आ जाते हैं। तो CD स्पेस डॉट डॉट और एंटर प्रेस करेंगे तो हम अपने होम डायरेक्टरी में आ गए। अब जो है मुझे DIR1 जो कि एक डायरेक्टरी है और ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं टाइप करूंगा RM-R और DIR1 और एंटर प्रेस करूंगा। तो DIR1 जो है ये वाली डायरेक्टरी रिमूव हो गई है और इस DIR1 के अंदर जो सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी थी वो भी इसके साथ ही रिमूव हो गई है। तो LS कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि DIR1 नाम की डायरेक्टरी रिमूव हुई है या नहीं हुई है। तो ये मैंने LS कमांड को एग्जीक्यूट कर लिया।
तो यहाँ पे DIR1 नाम की कोई भी डायरेक्टरी हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स कि DIR1 नाम की डायरेक्टरी रिमूव हो गई है। तो क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कमांड से ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था RM कमांड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।